Assalamu alaikum everyone. This is Seher Hamad, Director Officers Academy. And today with me is our student Yasir Nazir, who stood second this year. Jo CSS ka result aaya hai, stood second, mashallah. And congratulations and welcome, Yasir. How are you? Thank you so much, ma'am. Alhamdulillah, bilkul behtareen, bilkul achhi sehat hai. We are overwhelmed with your success. आप पहले ये बताइए कि आप कैसे फील कर रहे हैं? जी, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, काफी खुश हूँ, काफी खुश हूँ. ज्यादा खुशी इस तरह से है कि जो आसपास के मेरे फैमिली वाले हैं उनको देखे कि भाई बहुत ज्यादा खुश हैं, तो इस वजह से बंदे की खुशी जो है वो ज्यादा बढ़ जाती है. माशाल्लाह, आप हमेशा खुश रहे. यासी, ये बताइए कि आपकी फैमिली में और भी किसी ने सीएसएस किया है कि यू आर द फर्स्ट वन जो कि क्वालिफाई किया है जिन्होंने? नहीं मैम, मैं पहला बंदा हूँ जिसने अटेम्प्ट किया था और मैं ही पहला बंदा हूँ कि जिसने क्वालिफाई भी की. वंडरफुल, माशाल्लाह. सो हम ऑडियंस को भी बताते जाएं कि यासिर ने हमारे साथ 2019 का रिटन का सेशन लिया था और आज हम यासिर से कुछ एकेडमी के बारे में, जो जहां पर यासिर को एकेडमी ने फायदा दिया, वो कुछ चीजें पूछेंगे. सो दैट जो लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या ऑफिसर्स एकेडमी स्टूडेंट को किस तरह हेल्प कर सकती है, उनके लिए फ्रूटफुल हो ये जानना. और सेकेंडली हम यासिर से ये भी जानेंगे कि उन्होंने प्रिपरेशन ओवरऑल कैसे किया है. सो वील हैव एन इन-डेप्थ डिस्कशन अबाउट सीएसएस प्रिपरेशन विद यासिर. सो सबसे पहले यासिर, आप मुझे बताइए कि आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या है एंड व्हाट वाज योर एज व्हेन यू अप्लाइड फॉर सीएसएस? मैम, मैं मेरी नस से मैकेनिकल इंजीनियरिंग है और मेरी मेरा जो सेशन है, मेरा जो बैच है वो है फ्रॉम 2014 टू 2018. जब मैंने अपीयर हुआ हूँ 2020 में, उस टाइम पे मेरी एज थी 23. 24 का मैं इस टाइम पे हूँ, 2021 में. तो एट द टाइम ऑफ अपीयरिंग फॉर सीएसएस आई वाज 23. ओह, ऑलराइट, यू क्वाइट यंग. अच्छा, सो या सर, अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के बारे में बताइए, आपके कौन से आपने चूज किए थे ऑप्शनल्स? मैम, मेरे ऑप्शनल्स थे जो 200 मार्क्स था वो था इंटरनेशनल रिलेशंस था, उसके अलावा हिस्ट्री ऑफ यूएसए थी, पंजाबी था, क्रिमिनोलॉजी था और जेंडर स्टडीज था. ऑलराइट, तो आप स्टूडेंट्स को बताइए जो सीएसएस एस्पिरेंट्स हैं कि आपने जो रिटन सेशन ऑफिसर्स एकेडमी में लिया या हमारे साथ, तो उसमें आपको कहाँ पर स्पेसिफिकली हेल्प फील हुई और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में, कंपलसरी में, वो प्लीज बताइएगा. मैम, पहले मेरे ख्याल में अगर हम बात करें ऑप्शनल्स की, तो उसके अंदर जेंडर स्टडीज, पंजाबी और क्रिमिनोलॉजी, ये तीन ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि जिसमें मुझे काफी ज्यादा मदद मिली है ऑफिसर्स एकेडमी से. उसके अंदर जेंडर स्टडीज के अंदर सर हमाद की जो बुक है उससे, पंजाबी के अंदर सर वासिफ लतीफ से उनकी बुक से, और क्रिमिनोलॉजी के अंदर सर फरहान बेग से. तो ये तीन ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में ये तीन ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसके अंदर मुझे काफ़ी हेल्प मिली है. उसके अलावा अगर हम कंपलसरी सब्जेक्ट्स की बात करें तो उसके अंदर इस्लामियात और फिर करंट अफेयर्स जो हैं वो इन दो सब्जेक्ट्स में मेरे ख्याल में मैं कहूँगा कि मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली है, असिस्टेंस हुई है ऑफिसर्स अकेडमी की तरफ से. वंडरफुल. सो ये बताइए यासिर कि आपने वोकैबुलरी बिल्डिंग के लिए क्या तरीका इस्तेमाल किया, बिकॉज वोकैबुलरी जिस तरह सीएसएस में काफी एडवांस वोकैबुलरी आती है, सो डिड यू गो आउट ऑफ द वे टू वर्क ऑन योर वोकैबुलरी? मैम, टू बी ऑनेस्ट, मैंने जो वोकैबुलरी पे काम किया था वो ये था कि पेपर से कुछ अरसा पहले जो मैगूश ऐप एक है जो जीआरई की बेसिकली वर्ड लिस्ट है, मैंने वहां से कुछ वर्ड्स याद किए थे, मतलब जिन्हें सही तरह याद करना कहते हैं. उसके अलावा ओवर द टाइम जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी उस टाइम से लेके बाय द एंड ऑफ द ईयर, मैं डॉन पढ़ रहा था. डॉन के अंदर जो एडिटोरियल्स हैं उसके अंदर जो 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 वर्ड्स इस्तेमाल हो रहे हैं जिनका मुझे पहले अंदाजा नहीं था, वो मैं ये करता था कि वो मैं अंडरलाइन करके मैं वहीं पे मीनिंग लिख लेता था. तो उससे ये कि आहिस्ता आहिस्ता जो वर्ड्स बार बार रिपीट होते हैं वो आपके जहन में बैठते जाते हैं, वो आपकी वोकैबुलरी की लिस्ट जो है वो डेवलप होती जाती है. तो मैंने इस तरह से प्रिपरेशन की थी वोकैबुलरी. सो कमिंग टू एडिटोरियल्स, तो आपने एडिटोरियल कितना फ्रीक्वेंटली पढ़ते थे और व्हाट वाज योर मेथड एडिटोरियल रीडिंग के लिए? मेरे ख्याल में अगर मैं ये कहूँ कि मैं रोज पढ़ता था तो इसमें कोई मुबालगा नहीं होगा. क्योंकि जब मैंने शुरू की थी प्रिपरेशन, जी जी बिल्कुल, इसके अंदर ये है क्योंकि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, तो
तो मुझे बहुत ज्यादा सोशल साइंसेस के बारे में अंदाजा नहीं था। डेवलप करना उस नॉलेज के ऊपर अपने आप को, उसके लिए ये जरूरी था कि मैं वो चीज पढ़ूं जो कि मुझे उस तरफ लेके जाएगी। तो उसके लिए एडिटोरियल अच्छा खासा एक बड़ा आपके लिए रिसोर्स मटेरियल है जिससे आपको फायदा हो सकता है, ख्वा कि वो पाकिस्तान की इश्यूज हो जाएं या फिर इंटरनेशनल इश्यूज हो जाएं, क्योंकि डॉन ऐसा एक न्यूज़पेपर है जो कि अच्छी अच्छी तरह हर एक चीज को कवर करता है, तो वहां से काफी ज्यादा मुझे फायदा हुआ। तो मैं वो एडिटोरियल उस तरह से पढ़ता था। सो उसके आप अलावा उसके अंदर अगर हम जी उसके कह अलावा रहे अगर हो हम देखें तो आप पूछा था कि किस तरह मैं पढ़ता था, तो वो यही है कि जो एडिटोरियल्स मुझे लगते थे शुरू के दिनों में तो ये था कि जो तीनों एडिटोरियल्स जो थे मैं तीनों पढ़ता था, लेकिन बाद में ये था जब आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी सेंस डिवेलप हो जाती है कि कौन से एडिटोरियल ज्यादा रिलेटेड हैं कौन से कम रिलेटेड हैं, तो जो ज्यादा रिलेटेड होते थे मैं वो पढ़ लिया करता था, कि मुझे जो लगता था यार ये इस तरह के है कि ये क्वेश्चन से क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है क्वेश्चन यहाँ से निकल सकता है, तो वो मैं फिर वो पढ़ लिया करता था। और फिर एट द एंड अगर कोई उसमें ऐसा मटेरियल है कोई फैक्ट्स हैं कोई फिगर्स हैं जो कि मैं पेपर के अंदर कोट कर सकता हूँ, तो मैं उसे वहां से कट करके मैं अपने पास एक फोल्डर में, हर एक सब्जेक्ट का मेरा एक फोल्डर मैंने बनाया हुआ था कि अगर जेंडर स्टडीज के रिलेटेड ये मुझे मदद देगा तो मैं वहां पे रख लूंगा, अगर क्रिमिनोलॉजी है जिसमें हम बात करें कि अगर नंबर ऑफ प्रिजन्स कितने हैं या हमारे पास प्रिजन्स के अंदर कैपेसिटी कितनी है और प्रिजनर्स कितने हैं, तो उस तरह का अगर कोई फैक्ट्स या फिगर्स अगर आए हुए हैं तो उसको मैं कट करके अपने पास फोल्डर में रख लूंगा जो कि बाद में जाके मुझे फिर जिसने मदद दी। अच्छा वंडरफुल. तो यानी आपने एडिटोरियल पे बहुत सारा काम किया. और जी जी मुझे बिल्कुल। आप ये बताइए कि एडिटोरियल रीडिंग ने आपको वोकैबुलरी के अलावा और पर्टिकुलर कौन से सब्जेक्ट्स में हेल्प किया? मेरे ख्याल में अगर मैं ये कहूँ कि उससे जितने भी सोशल साइंसेस वाले जो सब्जेक्ट्स हैं या फिर पाकिस्तान अफेयर्स जो हैं वो उससे काफी मदद मिल जाती है। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि वो सारा का सारा कुछ है, क्योंकि उसके अलावा भी आपको कुछ चीजें लाजमी देखनी पड़ती हैं, लेकिन ऑफ कोर्स अगर आपका बिल्डिंग एक मटेरियल जो है वो आपकी जो फाउंडेशन है एक तरह से वो वहां से सेट हो सकती है, क्योंकि अगर आप पढ़ रहे हैं अगर आप 2 महीने आपने दे दिए हैं ट्यूटोरियल्स को पढ़े, तो आपको एक बेसिक नॉलेज है बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है उन चीजों की जो आपके इर्द गिर्द हो रही है जो कि करंट अफेयर्स हैं पाकिस्तान के अंदर जो लोकल अफेयर चल रहे हैं, उस सारे में बंदे को काफी ज्यादा नो हाउ हो जाती है जिससे आगे फिर बंदा उसके ऊपर बिल्ड करके मजीद आगे पढ़ के अपने आप को साउंड नॉलेज दे सकता है। बिल्कुल. आप जिस जिस तरह एडिटोरियल्स पढ़ते जाते हैं आपको आइडिया हो जाता है कि किसी एडिटोरियल की क्या सिग्निफिकेंस है, और फिर आप बेहतर चूज कर पाते हैं कि आपने फर्दर कौन से एडिटोरियल्स पढ़ने हैं. तो आप सिर्फ बिल्कुल डॉन के साथ स्टिक किया आपने, या आप और भी कोई न्यूज़पेपर्स, मल्टीपल न्यूज़पेपर्स देखते थे? मोस्टली वैसे मैंने डॉन ही पढ़ा है, मैंने बहुत ज्यादा न्यूज़पेपर्स के अंदर मैंने वो नहीं किया मूव नहीं किया मैं कि मैं और भी न्यूज़पेपर्स पढ़ लूँ, क्योंकि ज्यादा एक तो मशहूर भी यही है डॉन है ज्यादा मशहूर उसके वोकैबुलरी के हवाले से उसके एक ओपिनियन के हवाले से, तो मैंने ज्यादातर डॉन ही पढ़ी है। And what about international magazines? Did you go for like Economist or Diplomat or any other? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। वो इंटरनेशनल रिलेशंस और करंट अफेयर्स के लिए फॉरेन अफेयर्स है फॉरेन पॉलिसी है इकोनॉमिस्ट है वो मैंने पढ़े थे, वो तकरीबन जो पिछले साल क्योंकि है बाय मंथली सॉरी 2 माह बाद एक उसका इशू आ रहा है फॉरेन अफेयर्स का फॉरेन पॉलिसी का, साल में 4 इशूज आ रहे हैं तो वो मैं लाजमी पढ़ा था। तकरीबन पिछले साल के जो थे मतलब मेरे पेपर मेरे अटेम्प्ट से जो पिछला 1 साल था उसके अंदर मैंने वो पढ़े थे, उससे काफी ज्यादा आपको फायदा मिलता है, आपको इन 2 सब्जेक्ट्स के अंदर काफी ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। अच्छा, एक बात यासर आप बताओ, बिकॉज अक्सर स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि आपको सब्जेक्ट की प्रेपरेशन पहले करनी चाहिए या फिर आपको मैगजीन्स या न्यूज़पेपर्स पहले पढ़ने स्टार्ट करने चाहिए, या तीसरा तरीका है कि आपको साइमल्टेनियसली करना चाहिए? इसके अंदर असल में ना मैंने दो दोनों अप्रोचेज इस्तेमाल की थी मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के लिए मुख्तलिफ। अगर मैं बात करूं पंजाबी की अगर मैं बात करूं जनरल स्टडीज की या क्रिमिनोलॉजी की, तो उसके अंदर तो ये था मेरी अप्रोच ये थी कि पहले मैं पढ़ रहा था मैंने मतलब इस तरह ही लेके चला था कि मैं एक सब्जेक्ट पूरा कर लिया और फिर मैं आगे मूव किया, मतलब एक उसका जो भी रिसोर्स मटेरियल है वो उसको प्रॉपरली शुरू किया प्रॉपरली खत्म कर लिया, जो कुछ और सब्जेक्ट्स हैं जैसे पाकिस्तान अफेयर्स हैं या इंटरनेशनल रिलेशंस और करंट अफेयर्स हैं, तो उसके अंदर मेरी ये अप्रोच रही है कि मैं पहले सारे के सारे मैगजीन मैंने पढ़ लिए या उसके रिलेटेड जितना भी रिसोर्स मटेरियल अलहदा से मतलब साइड मटेरियल जो है वो पढ़ लिया और बाद में फिर उसको कंपाइल करके अपने पास रख लिया और फिर एट दी एंड उसको एक कंपाइल्ड फॉर्म में पढ़ लिया और उससे अपने आप को एक जो अंडरस्टैंडिंग है अपने जहन के अंदर वो कंसोलिडेट कर लिया। ऑलराइट, वंडरफुल. अच्छा,
तो एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यासिर, जो मेरा ख्याल है पढ़ाई से ज्यादा कई बार डिफिकल्ट होता है स्टूडेंट्स के लिए, वो होता है मल्टीटास्किंग और स्ट्रेस मैनेजमेंट। बिकॉज आपका जो रूटीन होता है आपके एग्जाम में वो बहुत टफ होता है, तो हाउ डिड यू कोप अप विद दैट? मल्टीटास्किंग के हवाले से मैं ये कहूँगा कि कुछ जब मैंने प्रिपरेशन शुरू की थी तो मैंने इस तरह से की थी कि मैं पर सब्जेक्ट वाइज में चल रहा था, मतलब एक सब्जेक्ट शुरू किया उसको खत्म किया, फिर एक सब्जेक्ट शुरू किया फिर उसे खत्म किया, तो वो तो मैं उस तरह से चल रहा था। लेकिन कुछ प्रिपरेशन ऑफ कोर्स आपके साथ चल रही होती हैं, जैसे यही अभी बात हो रही थी एडिटोरियल की बात हो रही थी या वोकैबुलरी बिल्डिंग की बात हो रही है, तो वो साथ साथ आपके चल रहे होते हैं। एक जो चीज़ मुझे अंदाजा हुआ ये है कि अगर असल में मेरा मानना यह है कि मुख्तलिफ लोगों के लिए मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज काम करती हैं। अगर कोई ऐसा बंदा है जो कि जिसका एक दिन के अंदर दो से तीन सब्जेक्ट पढ़ सकता है तो वो उस तरह दो तीन सब्जेक्ट इकट्ठे लेके चल ले, अगर कोई ऐसा बंदा है जो कि एक सब्जेक्ट पूरा दिन कर सकता है पढ़ सकता है तो वो उस एक सब्जेक्ट को लेकर चल ले। मेरा ये था कि मैं मोस्टली एक दिन में अपना टाइम एक सब्जेक्ट को दे रहा था, उसके बाद जो टाइम बच रहा था या फिर जब बंदा उस सब्जेक्ट से थोड़ा सा दिल बंदे का उठ चुका होता उस दिन के लिए, तो फिर मैं ये करता था जो कि कुछ इजाफी सब्जेक्ट हैं, जैसे कि अगर पंजाबी है एडिशनल सब्जेक्ट हैं, जैसे पंजाबी उसके अंदर जो उसकी पोइट्री है वो मैं उसको याद कर लिया, पढ़ ली उसके अफसाने जो थे वो पढ़ लिए, शायरी पढ़ ली, तो उससे एक तो जहन भी थोड़ा रिलैक्स हो जाता है, थोड़े बंदे की एंटरटेनमेंट भी हो जाती है, उसके अलावा आपका एडिशनल जो नॉलेज है वो भी बिल्ड हो रहा है, तो मेरी अप्रोच ये रही है। और एग्जाम के दौरान स्ट्रेस मैनेजमेंट, डिड यू फाइंड योरसेल्फ इन स्ट्रेस या आपको लगा कि ठीक है यू कैन मैनेज दैट? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा था कि मुझे ये नहीं लगा कि कुछ ऐसा हो रहा है कि जो कि मैनेज करने से बाहर जाएगा, जो कि मेरी मेरी कैपेसिटी से बाहर जा रही है बात। शायद उसके अंदर रीजन ये थी कि मेरी शायद पहले रिविजन्स हो चुकी हुई थी तो मुझे इतना ज्यादा मसला नहीं था। आपको खासतौर पे शुरू के जो चार दिन होते हैं, चार दिन होते हैं छह में से, उसके अंदर तो ये होता है कि आपकी नींद वगैरह क्योंकि इतनी ज्यादा डिस्टर्ब नहीं हुई होती तो आपको इतना कोई इशू नहीं होता। लास्ट जो टू डेज होते हैं उसके अंदर आपको फिर भी कुछ हल्का सा मैनेज करना पड़ता है अपनी नींद को, क्योंकि आपकी नींद पिछले चार दिनों के अंदर कम हुई होती है तो आपने आके सोना भी है, आपने फिर उठ के पढ़ना है, तो उसके अंदर थोड़ा सा मसला होता है आखिरी दो दिनों में। लेकिन ओवरऑल आपको मुझे, मैं अगर अपनी बात करूं तो इतना मुझे इशू नहीं हुआ। सो यू आर सेइंग कि जो वेल प्रिपेयर्ड स्टूडेंट्स हैं उनको स्ट्रेस मैनेजमेंट ड्यूरिंग एग्जाम्स इतना ज्यादा बॉदर नहीं करता, तो बी प्रिपेयर्ड स्टूडेंट्स, आप प्रिपेयर्ड होके जाएंगे तो डेफिनेटली आपकी रिजल्ट भी बेहतर होगा और आपकी जो एग्जाम का प्रोसेस है वो भी बेहतर होगा। अच्छा, सो एक आपके लिए ट्रिकी क्वेश्चन है यासिर, और हमारे पाकिस्तान के बहुत सारे यूथ ये सुन रहा है तो आपने बड़ा सोचकर इसको जवाब देना है। और वैसे तो हम जज नहीं कर सकते कि किसको सीएसएस करना चाहिए और किसको नहीं, लेकिन आपके ख्याल में किसको सीएसएस की तैयारी नहीं करनी चाहिए? ठीक है, मेरे ख्याल के अंदर उस बंदे को सीएसएस की तैयारी नहीं करनी चाहिए जिसको खुद शौक नहीं है सीएसएस की तैयारी करने का। अगर मैं एक बिल्कुल लाइन खींचूं उन लोगों के दरमियान जो जो जिनको करनी चाहिए और जिन लोगों को नहीं करनी चाहिए, तो मेरा क्राइटेरिया यही होगा कि अगर कोई बंदा खुद अपनी मर्जी से नहीं करना चाहता तो मेरा यही ख्याल है कि उसे नहीं करनी चाहिए, तैयारी नहीं करनी चाहिए। आई थिंक दैट्स अ वंडरफुल आंसर यासिर, बिकॉज सीएसएस में इतना सारा हार्ड वर्क है और उसके लिए अगर कोई खुद मोटिवेटेड नहीं है तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है प्रोसेस। सो आई थिंक यू हैव गिवन अ वेरी गुड आंसर। अच्छा यासिर, आपके एम्बिशंस क्या है, आप पाकिस्तान को किस तरह सर्व करना चाहते हैं, आपकी क्या इंटेग्रल वैल्यूज हैं जिसको लेकर आप सिविल सर्विसेज में एंटर करना चाहते हैं? मेन चीज तो मेरे ख्याल में इस बारे में यही है कि मैं जब आया था मैं यहाँ पे सिविल, मतलब मैंने एग्जाम की प्रिपरेशन शुरू की थी, तो उस टाइम पे मेरे दिल में यही था कि आई हैव टू क्रिएट एन इम्पैक्ट। अब वो इम्पैक्ट किसी भी फॉर्म में हो सकता है, किसी भी साइड पे हो सकता है। अब मेरा मेरा ग्रुप है, कैडर जो है मेरा, वो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है, तो ऑफकोर्स उसके हवाले से मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो मैं कोशिश तो मेरी यही होगी कि गवर्नेंस इम्प्रूव हो, जिसके अंदर इम्पैक्ट जो है ओवरऑल हर एक जगह पे हर एक लेवल पे जाए, ट्रांसलेट हो और वहां पे जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए बेहतरी आ सके। तो बेसिक तो गोल मैं कहूंगा मेरा यही है इस बारे में। ऑलराइट, सो यू वांट टू ब्रिंग
इम्प्रूवमेंट इन वेर एवर यू आर सर्विंग, और आप चाहते हैं कि वहां पर इम्पैक्ट क्रिएट हो आपके आने से. एंड हम आपके लिए बहुत दुआगो हैं कि आप ये इम्पैक्ट क्रिएट कर सकें और पाकिस्तान में आपके जैसे, अभी आप नाम रोशन कर रहे हैं, आगे चलकर हमारे गवर्नमेंट का भी नाम रोशन हो और पाकिस्तान में जो ब्यूरोक्रेसी है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में चले और डेफिनेटली पाकिस्तान के लिए बेहतर काम हो. हम उसके लिए दुआगो हैं. थैंक यू वेरी मच यासिर, दैट वाज अ वंडरफुल टॉक विद यू.